देवरिया जनपद के एक प्राथमिक स्कूल पर चोरों की काफी अरसे से नजर है और धीरे धीरे चोरों ने उस स्कूल को ही खंगाल डाला और जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी तक चोरों का आतंक लोगों के घरों तक था, पर अब चोर शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सरकारी स्कूल से दरवाजे, जंगले, गैस सिलेंडर, खाना पकाने के बर्तन समेत सारे सामान चोरी होते जा रहे हैं और ये चोरी एक बार नहीं हुई, दर्जनों बार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रामपुर ब्लॉक का शाहपुर प्राथमिक विद्यालय, इस शिक्षा के मंदिर में चोरों ने इस कदर अपना आतंक मचा रखा है कि इस विद्यालय में केवल छत ही बचा हुआ है। चोर पिछले कई सालों से इस विद्यालय को निशाना बनाते हुए इस विद्यालय के दरवाजे, जंगले, खाना पकाने के बर्तन, गैस सिलेंडर समेत अनाज की चोरी कर लिए। प्रधानाध्यापक की माने तो चोर अब इस विद्यालय में लगे पेड़ों की भी कटाई समेत मिट्टी की भी चोरी कर रहे हैं। इस विद्यालय में चोरी की दर्जनों घटनाएं हो जाने पर भी अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई चोर पकड़े गए। प्रधानाध्यापक नितेश ने बताया कि उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया और यहाँ चोरी जो हुआ है इसकी कंप्लेन मैंने सबको किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। यहाँ पे जंगले की खिड़कियाँ पल्ले सब निकाल ले गए, सब मिट्टी का चोरी हो रहा है, पेड़ों को काट कर चोरी किया जा रहा है और चारों तरफ से तोड़फोड़ किया जा रहा है। कोई जो है कि ऐसे माहौल में पठन पठन कैसे होता है? पठन पढ़ने में बहुत समस्या रहता है, 5 क्लास है, किसी तरह इधर उधर बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे या कमरे में, खुले कमरे में बैठा कर ही पढ़ाया जाता है। छात्र अंकित ने भी बताया कि आए दिन कोई न कोई सामान विद्यालय का चोरी हो जाता है। स्कूल में खिड़की, जंगला, चोरी सब कुछ हो रहा है। स्कूल के पीछे सड़कियाँ फूल जा रही है। क्या दिक्कत है तुम, क्या परेशानी हो रही है तुम्हें? हम लोग पढ़ने के लिए परेशानी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चोर अब शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं? सरकारी धन की खुलेआम चोरी हो रही है और अधिकारी और खासकर पुलिस कर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस मौके पर जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी मनोज मिश्रा से बात की तो उनका कहना था कि सामान्यतः स्कूलों में चोरी होती है तो थाने वाले FIR दर्ज नहीं करते, जिस कारण चोरों का मन बढ़ता है। जनरली स्कूलों में चोरी होती है तो थाने वाले FIR दर्ज नहीं करते हैं और एक बार चोरी होने के बाद अगर चोर पकड़ा ना जाए तो नीयत और ख़राब हो जाती है। SP साहब को हमने पत्र लिखा, फिर एक बार पत्र लिखूंगा, जहाँ जहाँ चोरी होती है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और कार्रवाई।